पल्लवी मैम, हमारा अगला सवाल। यस सर, डीएलएस 110 शेयर्स एट 890 प्राइस। ये लंबी अवधि के लिए लिया है मैम? यस सर, लॉन्ग टर्म। ये दिल्ली वालों के पास बहुत पैसा आ गया है क्या? डीएलएफ कुछ प्रोजेक्ट निकालता नहीं है, इतने महंगे महंगे फ्लैट बेचता है, सब रातों रात बिक जाते हैं। यस सर, तभी लिया शेयर। गजब रखा है दिल्ली में माहौल। आज ही इन्होंने बेहती साहब मुंबई के अखबारों में छाप दिया है दो पन्ने का कि थैंक यू वी आर सोल्ड आउट। एक इन्होंने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, एक हफ्ते में पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड ऑफ, और वो एवरेज टिकट प्राइस तो गजब था उस प्रोजेक्ट का। खैर, मेरी खरीद से तो नीचे ही चल रहा है 35 रुपए। लंबी अवधि के लिए कैसा है डीएलएफ? 890 की खरीद है जी। आशीष जी, स्टॉक काफी अच्छा है, जिस हिसाब से कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल रहा है, और इनके जो प्रोडक्ट्स है फ्लैट्स में वो भी हाथों हाथ बिक रहे हैं। दो दिन पहले भी एक न्यूज आई थी जिसमें 800 फ्लैट का उन्होंने बोला था कि इमिजिएटली सोल्ड आउट हो गया पूरा प्रोजेक्ट। हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इनके भाव तो आराम से इन्हें देखने मिल जाएंगे, और एक फ्रेश हाई जो 950 का है वो भी पार करता हुआ इजिली देखने मिल सकता है ये स्टॉक। दो से तीन क्वार्टर देना पड़ेगा इसमें, 1000 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस पोजीशन में, वो 830 का कैसे मेंटेन करे और होल्ड करे डीएलएफ को। नेहा मैम, अगला सवाल। सर, मेरा अगला सवाल है डीवी रियल्टी का 250 रुपए की प्राइस पे 300 शेयर्स। 250 पे 300 शेयर्स डीबी रियल्टी। लेकिन आप स्टॉक दिखाइए क्विकली यार। बैदी साहब, क्या करना चाहिए भाई? 60 रुपए खरीद भाव, 250 बोला इन्होंने, तो इनके लिए हो गया 40 रुपए खरीद भाव से नीचे। क्या करना है बैदी साहब? जी आशीष जी, ये भी थोड़ा सा वो इन्वेस्टेबल ग्रेड शेयर नहीं है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप हमने इसमें देख लिया ऑलरेडी। जो स्टॉक लास्ट ईयर जून तक 80 रुपए के करीब चल रहा था, 250 तक का मोमेंटम दिखा दिया है। हमें लग रहा है कि यहाँ से शायद इसमें सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है, तो एक स्टॉप लॉस रखे 192 का, और कोई पुल बैक आता है तो इसमें से भी एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है। नेहा, थोड़ा सा अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो क्वालिटी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और अगर मोमेंटम ट्रेडिंग वेडिंग का मन था उसको चेस करो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना, प्लीज ध्यान रखो। मनाली मैम, अगला सवाल। सर, मेरे पास एलएनटी के शेयर्स है, 130 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3701। तो सर, ये मैंने अच्छा ही चल रहा था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं, कल हुआ था, उसके बाद से बहुत लॉस में हुआ अभी। नहीं, आपके दोनों ही स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम से झटके पड़ गए, दोनों अच्छी पेडिग्री हैं, कुफोर जो लास्ट एंड टू ब्रो भाई साहब लेलेंटी। अच्छा, दूसरा सवाल, अभी मैं YouTube लाइव कर रहा था उसमें ये लोगों का आ रहा था इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए घुस जाए क्या, उनके लिए भी सवाल का आंसर कर दीजिए, और मनाली जो फंस गई है 400 रुपए नीचे लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, क्या करें? जी आशीष जी, इनफैक्ट अगर जिनको लंबी अवधि के लिए लेना है तो बहुत अच्छा जोन है ये वापस, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 दिसंबर 2023 के लो के करीब ये वापस अवेलेबल है। फेब में भी इन्हीं जोन पर आया था और यहीं से एक बाउंस बैक देके इसने फ्रेश हाइज बनाए थे 3800 प्लस के जो जोन दिखे थे, तो इन लेवल्स पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो एग्जैक्टली इसका 200 डेमा जो है 3220 वहां पे एक एसएल रखे। मैं लग रहा है कि ये एक दो दिन की गिरावट है, नंबर्स का एक नीचे रिएक्शन है, इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, और इससे 3600 तक का भाव शायद इस सीरीज या अर्ली मिड ऑफ द मंथ नेक्स्ट मंथ में देखने मिल सकता है। आप तो फिर इसका मतलब होल्ड ही करिए, ये तो फ्रेश वालों के लिए है कि घुसना जाए तो घुसे। बैती साहब, इनके लिए होल्ड है, इनके भाव पे आ जाएगा आज नहीं तो कल, है ना? ठीक है, पेडिग्री भी वैसी है। भाई साहब, अच्छा क्विकली आपके पिक्स आज के, वो गायत्री साहब जरा SBS स्टॉक पिक्स का स्टिंग तो दिखा दो यार एक बार। भाई साहब बताएं आप। आशीष जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो GMR इंफ्रा का रहेगा। थोड़ा सा पोजिशनली ये कॉल है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें 3-4 दिन की गिरावट आई है, सी के भाव पे वापस ये स्टॉक अवेलेबल हो गया है, और एक अहम सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है, और 86 तक का जोन इसमें वापस देखने मिल सकता है, तो GMR इंफ्रा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 79 का स्टॉप लॉस है और 86 के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है बायोकॉन का। आज ऊपर से थोड़ा सा नरम पड़ गया है, फ्लैट हो गया है, बट इसका सेटअप भी काफी अच्छा बना हुआ है, इसको भी खरीदारी की जा सकती है। 300 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और 320 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है।
ब्यूटीफुल, रखिए भाई ये दोनों इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स रडार पे इस नोट पर। मनाली मैम, नेहा मैम, पल्लवी जी, थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, और बहती साहब थैंक यू फिर से जुड़ के बढ़िया तरीके से हम लोग की क्वेरी सॉल्व कराने के लिए। ब्रेक ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। आपका स्वागत है। मन तो नहीं कर रहा, लीजिए दिखाई दिया डायरेक्टर साहब ने, मैं कहने रहा था मन तो नहीं कर रहा दिखाने का, पर दिखाना पड़ेगा। निफ्टी 1% अब कमजोर, 22,100 के नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और अभी अभी कुछ मिनटों पहले बहिती साहब से चर्चा हो रही थी, ये दायरा खुल गया है नीचे की तरफ 21,950 का, उसी की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं हम लोग इस समय। जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स दबाव में आए, कोल इंडिया दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे, इंट्राडे चार्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज, और खराब नंबर्स के बाद आज फिर दिक्कत में आ गया है। ये देखिए मारुति सुजुकी लॉन्च है आज तो स्विफ्ट की नई, उसके बीच में एकदम से तगड़ा कट। इसमें अपने आउटकम से पहले बीपीसीएल दिखाइएगा स्क्रीन पे, ब्रिटानिया जो मिले जुले नंबर्स पे बहुत चल गया था उस दिन वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स पे, आज पूरे दिन सल्क करता ही चले जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आज के शो को यहीं समेटते हैं, समय हो गया है। अब आपसे मंडे को साजबो सनसेक्स में मुलाकात होगी 12:27 पे। कल मिलेंगे अपन इसी समय 12:27 पर आवाज के स्पेशल के साथ। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।